के सपनों का भारत में हमारी यात्रा समस्तीपुर के वारिश नगर पहुंची है। हमारे साथ हैं मुखिया प्रतिनिधि, जो विकास की योजनाओं को लेकर बताएंगे कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। ग्राम पंचायत राज छत्नेश्वर जी। एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी, और अपने पंचायत में इस पिछले 5 साल में हुए कार्यक्रमों का कुछ अपने अनुभव के तरफ से उसके बारे में बतलाना चाहता हूँ। जी जी, बताइए। जिसमें श्रीमान मुझसे पूछा जाए जी कि कौन कौन क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल हर उस व्यक्ति के लिए बनाया गया था जो व्यक्ति जिन स्वास्थ्य कारणों से जो स्वच्छ पानी नहीं पी रहे थे, ऐसे में जल नल योजना पे आपके कार्यकाल में क्या काम हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को आप कहां तक आगे बढ़ाए। मेरे पंचायत में 14 वार्ड है कुल, उसमें 14 वार्ड में भी पूरी तरह से कार्य पूर्ण हो चुका है नल जल का, और सभी वार्ड में पानी पूर्ण रूपेण आ रहा है। महात्मा गांधी के नाम से उन बापू को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं आई, जिसमें ग्रामीण युवाओं को एवं ग्रामीण लोगों को पलायन की समस्या से रोकने के उद्देश्य से उन्हें मनरेगा जैसी योजनाओं में ग्रामीण स्तर पर कई तरह के काम करने की आज़ादी दी गई। उसको कैसे बापू के सपनों को साकार कर रहे हैं आप इस पंचायत में? मनरेगा के तहत जो लोग नीचे तबके के हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जिन्हें रोजगार कोरोना पीरियड में नहीं मिला या उससे पहले भी, सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, मजदूरी उन रुपये मिल रही है। सबसे पहले जो है मिट्टीकरण का काम भी चला है, इधर बरसात होने के बाद इधर कुछ धीमा पड़ गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर पेड़ पौधा का वृक्षारोपण भी हुआ है, उसमें भी लोगों को रोजगार मिला है। युवाओं के लिए आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, पलायन और नशा। युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए कुछ आप लोगों ने किया है तो क्या क्या किया है? स्वरोजगार के तहत जो युवा बेरोजगार हैं उनको कौशल विकास केंद्र मेरे गांव में ही है, वहां पर जाने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ाई लिखाई भी अभी तत्काल कर रहे हैं, उन्हें भी पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पर वारिस नगर में भी प्रशिक्षण दिया जाता है और गांव छत्नेश्वर में भी दिया जाता है। आधी आबादी में महिलाओं का योगदान है और आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार से रिलेटेड पंचायत में कई सारी योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन आप कैसे किए, कहाँ तक आगे बढ़ पाए? उस तरह महिलाओं के जीवन को उत्थान के लिए उन्हें तरह तरह की बातें बताई जाती है कि जो गरीब महिला है कि वो अपना स्वरोजगार किस ढंग से कर सके, और उसके लिए जहाँ जहाँ वह केंद्र है ट्रेनिंग के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और यहाँ भी महिलाओं को, जो गरीब महिला है उन्हें भी मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाती है। भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? भ्रष्टाचार इस देश में अब एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो किस तरह के वर्क कल्चर को डेवलप करेंगे जिससे भ्रष्टाचार कम से कम हो? भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ग्रामीण स्तर पर जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग इस चीज को निगरानी में रखें, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो। और जो हम प्रतिनिधि हैं उन्हें भी कड़ी हिदायत दी जाती है कि आप या तो न भ्रष्टाचार करें या न भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन ही दें। कोई भी आदमी अगर हो, या तो वो सरकारी हो या प्राइवेट हो या दलाल हो, उस सबको भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जाता है और उन सबको ये बातें बताई जाती है। भ्रष्टाचार सामाजिक रूप में एक बहुत बड़ा दानव है, जिसको उस दानव से हमें किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उससे छुटकारा नहीं पा सकता था, और हमारा समाज गरीबी से गरीब से गरीब होता गया। और आज जो है इस गरीबी को दूर करने के लिए सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है, उसे कैसे अलग किया जाए। इसलिए हम प्रतिनिधि मुखिया स्तर पर हो या पंचायत स्तर पर हो या वार्ड मेंबर हो, सभी के द्वारा इस स्तर पर काम किया जा रहा है।
इस बार चुनाव में जीतने के बाद वो कौन से 5 काम हैं जो कोरोना की वजह से या अन्य किसी कारण होने की वजह से इस कार्यकाल में आप नहीं पूरा कर पाए हैं, ऐसा 5 काम क्या है जो पुनः आने के तुरंत बाद प्राथमिकता के आधार पर आप इसे पूरा करेंगे? कोरोना आ जाने के बाद जो है हमारे पंचायत में बहुत तरह के काम में बहुत तरह की बाधाएं आई, उन बाधाओं के चलते अगले 5 साल में जो हमारे पंचायत में काम अवरुद्ध हो गया उस काम को आगे बढ़ाना है। जल जीवन हरियाली एक नई योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, उसमें हम सारे पंचायत के जो जीते हुए प्रतिनिधि होंगे या सरकारी स्तर पर जो भी पदाधिकारी होंगे उनसे हम लोग इसके लाभ के बारे में लेने के लिए अपनी उन योजनाओं को अपने पंचायत में लाने की कोशिश करेंगे। ये थे बापू के सपनों को भारत को साकार करते हुए समस्तीपुर से गौतम कुमार।